हाउ डू यू ऑर्गनाइज योर सेल्फ यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स टू सम एक्सटेंट इफ पॉसिबल मैं आपको स्पून फीड नहीं कर रहा हूँ नीदर डू आई वॉन्ट यू टू गेट अ कस्टम टू स्पून फीडिंग बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अर टाइम टेबल विल गिव यू अ डायरेक्शन कि आपको इस डायरेक्शन में इस तरह से आगे जाना है दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर यू शुड कवर दीज आर द टाइम पीरियड्स एट विच यू शुड बी टेकिंग मॉक टेस्ट फॉर फेज वन ये सारी चीज़ें हम आज इस टाइम टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे स्टार्ट करते हैं आप सबको पता ही होगा एम अज्यूमिंग दैट यू आर वेल अवेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन फेज वन देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग विच आर क्वालिफाइंग इन नेचर आपको वहां पर बहुत फोड़ने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट यू आर नॉट बैड परफॉर्मेंस देस यू डू नॉट हैव टू गेट डिसक्वालिफाइड यू मस्ट इन्श्योर दैट दैट्स इट उसके बाद आते हैं थ्री मेजर सब्जेक्ट्स दैट इज जनरल अवेयरनेस ई एस आई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ए आर टी आपका काम है इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना नॉट ओनली फॉर फेज वन बट ऑल्सो फॉर फेज टू बिकॉज दीस थ्री आर गोइंट टू शो अप इन फेज टू एज वेल एंड दीस थ्री आर गोटू डेटरमाइन वेदर यू गेट सेलेक्टेड और नॉट

इसीलिए सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को कवर करेंगे कंसिडरिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन दी एग्जामिनेशन अब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है बट सूरत सर एंड माई सेल्फ वीव डिवाइडेड इट वी हैव रीस्ट्रक्चर इट अकॉर्डिंग टू आर ओन मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है ना एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फिशरीज हॉटीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग एग्री मीटरोलॉजी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज ये पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाता है यू स्टार्ट स्टार्टिंग इट फ्रॉम थर्ड सेप्टेंबर यू कैन फॉलो अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जहाँ पे आप अपनी ही किताबें यूज करके पढ़ सकते हैं देर इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड सूरत सर इज ऑल्सो रिकमेंडेड इट्स ऑल्सो देर ऑन माई यूट्यूब चैनल यू कैन गो एंड वॉच ट लिस्ट एज वेल आपके पास टाइम कितना है थर्ड सेप्टेंबर से लेके फोर्टीन सेप्टेंबर तक यू हैव अप्रॉक्सीमेटली टेन टू इलेवन डेज टू कवर एंटायर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बार इन रूरल डेवलपमेंट जिसके लिए हमने एक या दो दिन लगाए हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स वेदर इट इज अबाउट एमजी नरेगा और एनीथिंग एल्स मेजोरिटी ऑफ दोंग्स ऑलरेडी कवर्ड इन करेंट अफेयर जो कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स में या और सब्जेक्ट्स में कवर कर लेंगे

टू गिव मोर टाइम टू योर प्रिपरेशन टू योर एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं दो घंटे जिम भी कर रहा हूँ दो घंटे खाना खाने में भी लगा रहा हूँ एक सीरीज़ भी चल रही है मेरी वो भी देख रहा हूँ एंड देन ऑल्सो आई एम एबल टू फाइंड टाइम दैट विल नॉट हैपन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक ऑन अ मिशन मोड प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आपके फोकस बस इसी पे होना चाहिए ओनली देन कैन यू

तो इसलिए आप इसको एक डेढ़ घंटा डेली देंगे इट विल बी गुड इनफ इट विल बी मोर देन इनफ एक डेढ़ घंटा डेली लगाइए सिलेबस को खत्म करिए इन द नेक्स्ट टेन डेज ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग बेसिक लेवल आर एस अग्रवाल टाइप बुक भी उठा लोगे खुद करने के लिए दैट विल ऑल्सो डू द जॉब ठीक है ना ये आपको करना है अगले दस दिन में फॉर क्वांट एंड रीजनिंग अलॉन्ग बिकॉज यहाँ पे करंट अफेयर्स हमने कुछ कवर नहीं किया करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट यू हैव टू डू एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 45 डेज आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते वहीं से मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं इवनिंग में एक घंटे डेढ़ घंटे क्वांट के बाद या रीजनिंग के बाद यू स्पेंड द नेक्स्ट थ्री फोर आवर्स ऑन कवरिंग करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है नाउ दैट इज द क्वेश्चन बहुत सिंपल है एक बार में एक चीज उठाइए या दो चीजें उठाइए मैक्सिमम कवर देम एंड देन मूव फॉरवर्ड इफ यू ट्राई एंड कवर एवरीथिंग टूगेदर यू विल मेक अ मेस आउट ऑफ इट सो यू पिक अप स्पॉटलाइट and PIB two Both of them are connected also to a very large extent, and you start covering them together. One month ka ek saath karenge, it will be better for you. So you start with August, which is the latest month. सबसे ज़्यादा important भी वही है, सबसे ज़्यादा relevant भी वही है exam के लिए. तो आपने August उठाया, and in the next about uh, five days, you try and cover. You try and cover uh, यहाँ पर. थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है. यू ट्राई एन कवर पी आई बी एंड स्पॉटलाइट इन द नेक्स्ट फाइव डेज मुझे लगता है पाँच दिन काफ़ी होने चाहिए सिमिलरली इन द नेक्स्ट अगैन फोर टू फाइव डेज यू ट्राई एन कवर हाँ यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है मिसमैच क्या है पी आई बी थोड़ा लंबा है इसलिए उसको सात दिन दिए हैं ठीक है ना यस पी आई बी इज लॉन्गर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर डिफिकल्ट टू मेमराइज सो सेवन डेज स्पॉटलाइट जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है कम्पेयर टू पी आई बी इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफिकल्टी उठाओगे आप पांच दिन और फिर स्पॉटलाइट आप आप का उठाओगे हो गया अगले दस ग्यारह दिन, दिन का टाइम टेबल पी आई बी यू कैन कवर जुलाई एंड ऑगस्ट इन द नेक्स्ट टेन डेज वो काफी रहेगा क्योंकि हम स्पॉटलाइट जल्दी खत्म कर लेंगे मोर ऑन पी आई बी और पी आई बी में हमें ज्यादा पीछे तक जाना हैल्सो अप्रैल ऑल्सो तो इसीलिए उसको कंटिन्यूसली ज्यादा रखेंगे ठीक है ना आपको अगर करंट अफेयर समझ नहीं आ रहा है कहां से पढ़ू कैसे पढ़ू कौन सा कब पढ़ना है जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस प्लीज अपना दिमाग ना लगाए इसको फॉलो कर लेंगे बहुत आराम से कवर हो जाएगा ठीक है पहले दस दिन का आई होप क्लियर है टाइम टेबल उसके बाद आ जाते हैं ई एस आई पे जब टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अब आपको यहाँ पर आफ्टर द फर्स्ट टेन डेज वंस यू डन विद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यू स्टार्ट विद इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट इज टॉट इन आरबीआई एक दो सब्जेक्ट्स एक दो टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर ठीक है ना वो आप साइमल्टेनियसली अलग से पढ़ सकते हैं नीचे मैंशन भी हैं एंड यू हैव अगेन अनदर अबाउट टेन टू इलेवन डेज टू कवर ई बिकॉज रेलिवेंस ई एस आई और ए आर डी की सिमिलर हैबाउट इक्वल नंबर ऑफ डेज ऑन बोथ ई एस आई एंड ए आर डी अब इसके साथ साथ आपको क्या रीजनिंग हमने पहले दस दिन में कौन रीजनिंग खत्म कर दिया फिर हमने डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस दो सब्जेक्ट्स उठाए यहाँ पर एंड वी ट्राई ट्राइन कवर देम इन द नेक्स्ट एट टू नाइन डेज आठ से नौ दिन में कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग हम खत्म करने की कोशिश करेंगे आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द पी एंड एवरी फॉर दिस टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे मैं भी टेस्ट का टाइम टेबल भी बताऊंगा और आपको ये अपने आप यहाँ पर कवर करने की कोशिश करनी है द लॉड ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल सब जगह बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ से भी उठा सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स इसके साथ चलेगा और पी टू जून जो है पी जो है वो इसके साथ चलेगा अब देखो डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस दीज आर क्वालिफाइंग सो यू स्पेंड अबाउट वन आवर एवरी डे ऑन देम उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम वन एंड हाफ आवर द रिमेनिंग टाइम यू अगेन स्पेंड ऑन करेंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स में हमने स्पॉटलाइट कवर किया पी कवर किया नाउ वी हैव स्टॉप स्पॉटलाइट क्योंकि हमने लास्ट तीन से चार महीने का कवर करना है उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है वी फोकस मोर ऑन पी आई बी अगेन यहाँ पे पी आई बी जुलाई तक का खत्म कर दिया था अब जून उठाया और मे उठाया मई और जून हमने पी आई बी नेक्स्ट टेन डेज में खत्म कर दिया उसके साथ हमने गवर्नमेंट स्कीम्स उठाया और गवर्नमेंट स्कीम्स हम बहुत ज़्यादा लंबा चलाएंगे बिकॉज देट लॉन्ग अबाउट फोर हंड्रेड पेजेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपको दस पंद्रह दिन लग जाएंगे कवर करने में और ये यहाँ पर अच्छे से उतना टाइम इसको दिया हुआ है ठीक है न नेक्स्ट टेन डेज का क्लियर हो गया अब आते हैं उसके नीचे अट्ठाईस ट्वेंटी सेप्टेम्बर के आसपास अब आपको क्या करना है अब आपको उठाना है ए आर डी करंट अफेयर्स नाउ योर फोकस शिफ्ट फ्रॉम द सिलेबस टू वर्ड्स करेंट अफेयर्स इवन मोर ए आर डी करेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट इंडेज माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट नाफिस रिपोर्ट एग्री सेंसस ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं तो so मैंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह सर्विस वगैरह यहाँ पे डाल दिए वेदर इट इज़ ए आर डी वेदर इट इज़ ई एस आई वो सारी मैंने यहाँ पर एक एक करके डाल दी है ए आर डी की रिपोर्ट्स हो गई उसके बाद एनुअल सर्वे हो गया उसके बाद एनुअल सर्वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह हो गया एनुअल सर्वेज आ रहे हैं ये पॉवर्टी इंडेसेज आ रहे हैं अलग अलग यहाँ तक हमने अराउंड अगेन अनदर टेन डेज वी आर स्पेंडिंग कम्प्लीटली ऑन करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू ईस ए आर डी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स पी आई बी एंड स्पॉटलाइट जो भी उसका पार्ट नहीं है बट करेंट अफेयर्स का पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ठीक है ना और नीचे आ जाते हैं अब हम और क्या क्या करेंगे उसके बाद ये हमारा करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स चले जा रहे हैं ठीक है ना मैंने रिविजन के लिए खाली दो दिन निकाले हैं बट इफ यू आर एबल टू कवर दिस फास्टर देन यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन रिविजन ऑल्सो जिसमें सिलेबस का रिविजन भी आ जाएगा और जो करंट अफेयर्स ये कवर किया है इसका भी रिविजन आ जाएगा दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द मॉर्निंग स्केड्यूल ठीक है ना अब आ जाते हैं इवनिंग स्केड्यूल में इवनिंग स्केड्यूल में आप क्या क्या करेंगे हमने कवर कर लिया था यहाँ तक ठीक है इसके बाद हमने पीआईबी और पीछे का उठाया अप्रैल का हमने पीआईबी उठाया अप्रैल का पीआईबी हमने यहां तक खत्म कर लिया नाउ व्हेन वी एंटर अक्टूबर वी स्टार्ट कवरिंग पीआईबी ऑफ सितंबर तब तक आपका पीआईबी सितंबर का आ जाएगा तो आप अगले पाँच से सात दिन में पीआईबी सितंबर का खत्म करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स आपका आफ्टरनून सेशन में अब चलता रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन द एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है ठीक है ना जैसे ही स्पॉटलाइट सितंबर और अक्टूबर का आता है अब वो उठा लेंगे सितंबर का हमने ऊपर भी उठा लिया था यहाँ पर जैसे ही सितंबर का आता है वो उठा सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली अक्टूबर का उठाना है बिकॉज अक्टूबर का जो स्पॉटलाइट और पी भी है फर्स्ट टेन ट्वेल्व डेज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका हो गया इवनिंग सेशन का पूरा फाइनल में मैंने चार पांच दिन आपके फाइनल रिवीजन के लिए रखें जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं यू कैन मेक इट अबाउट अ वीक आल्सो फॉर बोथ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन मैंने बफर ही रखा है मैंने पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिया है दस से दस, दस दिन से ज़्यादा दिए हैं यू कैन स्पेंड लेस टाइम ऑन इट एंड मोर टाइम ऑन रिविजन एज वेल अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट का स्केड्यूल का क्या रहना चाहिए फॉर एनी स्टूडेंट इवन इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन द कोर्स यू कैन वेरी वेल यूज दिस स्केड्यूल ऑफ मॉक टेस्ट काफी काम आएगा ठीक है ना मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो देट वी कैन सी द डेट्स ऑल्सो ठीक है सो हेयर यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव मॉक टेस्ट एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव द डेट्स तो अगर मॉक टेस्ट वन उठाएं तो वो नाइन सेप्टेम्बर के अराउंड है अभी एग्जाम इमीडिएटली तो नहीं होने वाला वी स्टिल हैव मंथ्स तो अभी अकली मॉक टेस्ट लिख लोगे कोई फायदा नहीं है प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट यू नो डेज एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स स्टार्टिंग के मॉक्स में आपको हो सकता है यू माइट फील दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन बिकॉज यू नॉट रेड दो सब्जेक्ट्स थर्ली लेट इट बी इट्स फाइन वट डू यू डू आपने पूरा मॉक लेखा सारे क्वेश्चन सारे सेक्शंस किए आपका स्कोर बहुत खराब आया वर्स्ट के सिनारियो इट्स फाइन आफ्टर हैविंग डन द मॉक एनालाइज द मॉक प्रॉपरली और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना उनके टॉपिक्स कर लो वट एवर क्वेश्चन है मॉक टेस्ट जस्ट कवर दोजॉपिक्स इन दैट डे ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सारी हो जाएगी उस मॉक के थ्रू और जब एनालाइज करोगे तो उस एनालिसिस के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी वहां पर ठीक है ना तो ये करना ज़रूरी है मॉक टेस्ट वन हमने नाइन्थ को किया मॉक टेस्ट टू हमने सिक्सटीनथ को किया और मॉक टेस्ट थ्री हमने सेवनटीन्थ को किया हमने दो मॉक टेस्ट एक साथ रखे हैं सिमिलरली हमने फिर से ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फिफ्थ को दो मॉक टेस्ट किए एक साथ ठीक है ना गैप डाल के मैं दो मॉक टेस्ट एक साथ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थर्टी एथ और फर्स्ट को है ये नॉट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी

और लास्ट एक फाइनल मॉक आप लिखेंगे ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन कभी भी आप लिख सकते हैं इस टाइम पीरियड में वेन्यूर रिवाइजिंग ठीक है ना तो ये आपका मॉक्स का स्केड्यूल है दिस इज योर एंटायर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज जो फेज़ टू का टाइम टेबल होगा वो फेज़ वन के बाद डालेंगे अभी नहीं डालेंगे अभी उसको छेड़ना भी नहीं है एंड नबार्ड यू uh, नो you know, नबार्ड में ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास बिकॉज द सिलेबस ऑफ फेज़ वन एंड फेज टू इज द सेम फेज़ टू में आपको ए ही पढ़ना है ई ही पढ़ना है बस आपको लिखना एक्स्ट्रा है दैट यू कैन ईजीली लर्न इन द नेक्स्ट वन मंथ हम फेज़ वन के बाद फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा राइटिंग पे फेज़ वन से पहले इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के थोड़े सेशनस लेंगे जिससे कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग समझ आने लगे तो उसको प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा देल बी कंडक्टेड इन द कोर्स एज वेल एज ऑन यू ट्यूब यूट्यूब का जो टाइम टेबल होगा दैट विल बी यू नो तो टू वेरी लार्ज एक्सटेंट इट विल बी सिंकिंग विद दिस और उसका टाइम टेबल मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको बताना कि आप अगले 45 डेज में हाउ कैन यू प्रिपेयर वेल और क्या आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए मैंने 10 10 दिन के स्लॉट्स बनाए हैं मेक्स इट इजियर फॉर एनी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड इंटरनलाइज इट अदरवाइज डेली अलग अलग चीजें पढ़ोगे तो कुछ भी इंटरनलाइज नहीं होगा यू विल मेस अप योर प्रिपरेशन ठीक है ना ये टाइम टेबल को यूज करिए इसको लिख भी सकते हैं लिखना चाहते हैं तो इल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट किसी को अगर अवेयरनेस नहीं है तो मैं वेबसाइट का नाम भी लिया यहाँ लिख देता हूँ अनुजिंदल डॉट इन इज द नेम ऑफ द वेबसाइट ओके एंड द नंबर फोन नंबर वे यू कैन टॉक टू माई काउंसिलर्स इज डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव ठीक है ना ये काउंसलर्स का नंबर है यहाँ पे बात कर सकते हो नबार्ड के रिकॉर्डिंग एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज डब्ल्यू 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 डॉट अनु डॉट इन ठीक है चलिए सेशन को एंड करते हैं आई एल सी यू वेरी सून विद सम मोर वीडियोज एंड आइडियाज़ अबाउट नबार्ड एग्जामिनेशन जो भी आपके डाउट्स हैं वो नीचे पूछोगे आई विल बी एबल टू ईदर क्रिएट वीडियोज ऑन द सेम एंड सॉल्व योर डाउट्स और रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन इट सेल्फ जहाँ से मैं डाउट सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे जय हिंद